हेलो फ्रेंड्स, मैं योगिता आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल योगिताज किचन में। आजकल हमारे घर के आसपास बहुत ही हलचल मची हुई है। भाई क्यों ना हो, गणेश जी जो पधारने वाले हैं तो उनके स्वागत की तैयारी में हम भी कुछ नया बनाते हैं, उनकी पसंदीदा प्रसाद मोदक। तो मोदक की रेसिपी को जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। तो चलिए हम बनाते हैं मावा मोदक। मावा मोदक बनाने के लिए हमने 250 ग्राम मावा लिया हुआ है। ड्राई फ्रूट में हमने 15-20 पिस्ता ली हुई है, 10-12 हमने बादाम ली है और 10-15 हमने काजू ली हुई है। हमने आधा कटोरी नारियल भूरा लिया हुआ है, येलो फूड कलर लिया है, ऑप्शनल है। एक कटोरी हमने पाउडर चीनी ली है, हमने चीनी में 4 हरी इलायची डाल करके पीस लिया है। हमने फ्लेम पे एक पैन रख लिया है। अब हम मीडियम आंच पर ये ड्राई फ्रूट्स जो लिए थे उसे रोस्ट कर लेंगे 2-3 मिनट के लिए। हम इन्हें लगातार चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाता है ड्राई फ्रूट्स में। 2-3 मिनट हो चुका है, अब हम इन्हें प्लेट में निकाल लेंगे फ्लेम ऑफ करके। अब हम सेम पैन में मावे को थोड़ी देर के लिए सेक लेंगे, लगभग 4-5 मिनट के लिए लगातार चलाते हुए सेक लेंगे। मीडियम फ्लेम पे मावे को लगातार चलाते हुए सेक लेंगे ताकि मावा जले नहीं। लगातार चलाते हुए मावे को हमने 4-5 मिनट के लिए सेक लिया है, इसमें से बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और मावा ठंडा कर लेंगे। अब हम उसी पैन में जो हमने नारियल का भूरा लिया था उसे भी सेक लेंगे 2-3 मिनट के लिए मीडियम आंच पर लगातार चलाते हुए। लगातार चलाते हुए हमने नारियल भूरे को 2-3 मिनट के लिए सेक लिया है, इसमें से बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगी है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये जो ड्राई फ्रूट्स लिए हैं इनको मिक्सी जार में हम पीस लेंगे। और मावा जो हमने सेक के रखा था वो भी ठंडा हो चुका है, इसे हम आसानी से छू सकते हैं। अब हम इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स मिला देंगे। सबसे पहले हम खोपरा बूरा डालेंगे और जो हमने ड्राई फ्रूट्स पीसे थे उसे भी मिला लेंगे। पाउडर चीनी भी डाल देंगे, मीठा आप कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं। हम एक पिंच फूड कलर ऐड कर रहे हैं, फूड कलर ऑप्शनल है, अगर आप ना डालना चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। अब हम सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके एक अच्छा डो बना लेंगे। ये देखिए हमने डो तैयार कर लिया है मावे का। अब हम मोदक बनाना शुरू करते हैं। हम मोदक मोल्ड ले लेंगे और जो हमने डो बनाया है उसमें से छोटी छोटी सी गोलियां निकाल लेंगे और हाथों में इस तरह से उसको ले लेंगे और मोल्ड के एक साइड में इस तरह से दबा के भर लेंगे। एक्स्ट्रा डो हम निकाल लेंगे। हम मोल्ड के दूसरे साइड भी हम डो को इस तरह से भर लेंगे दबा के। जो एक्स्ट्रा है उसको निकाल देंगे और फोल्ड कर देंगे मोल्ड को। हम प्रेस कर लेंगे, एक्स्ट्रा डो निकाल के अलग कर देंगे। हम मोल्ड को हम धीरे से खोलेंगे। ये देखिए कितना बढ़िया हमारा मोदक बन करके तैयार हुआ है। इसे धीरे से नीचे से निकाल लेंगे। ये देखिए हमारा मोदक बन करके तैयार हो गया है, बहुत ही अच्छा बना हुआ है। इसे हम प्लेट में रख लेते हैं और बाकी के बचे हुए मोदक भी हम इसी तरह से बना लेंगे। मोल्ड के एक तरफ पहले रखेंगे डो को और प्रेस कर लेंगे हाथों से। दूसरे मोल्ड में भी इसी तरह से रखेंगे डो को और प्रेस कर लेंगे। मोल्ड को फोल्ड करके बंद कर लेंगे, एक्स्ट्रा बैटर निकाल के बाहर कर लेंगे और धीरे से सांचे को खोल करके ये देखिए मोदक तैयार हो गया है। दूसरा भी हमारा प्लेट में रख लेते हैं। इसे भी बचे हुए सारे मोदक हम तैयार कर लेते हैं। इसी तरह से हम सारे मोदक तैयार कर लेंगे। ये देखिए हमारे मावे के मोदक बन करके तैयार हैं। अगर आपको मेरे मावे के मोदक की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। तो मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय श्री गणेशा, गणपति बप्पा मोरिया।